तो दोस्तों मैं आज आपको खिलाने वाला हूँ हीरा लाल की चाट, जो कि चावड़ी बाज़ार में है। और जानते हैं एक बार भैया से कि भैया के पास क्या क्या अवेलेबल है। तो भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। ब्रिजलाल आपका नाम। तो कितने टाइम से आप चाट बेच रहे हैं? ये 130 साल पुरानी दुकान है। 130 साल पुरानी दुकान है। तो भैया, 130 साल पुरानी दुकान है। हाँ बताएं। आलू की चाट, पाव भाजी, एक ही कुल्ले की चाट होती है। ये कुलिया की चाट इनकी काफ़ी फेमस है भैया। बर्गर होता है। टिक्की होती है साबुदाने की। ये टिक्की होती है। तो आपको यहाँ पे चाट मिल जाती है, टिक्की मिल जाती है, बर्गर मिल जाता है और पाव भाजी मिल जाती है। तो भैया, एक बार इनके प्राइस और बता दीजिए। आलू की चाट 40 रुपए की है, पाव भाजी 60 रुपए की है, बर्गर 35 रुपए का है और कुलिया चाट छोटी 50 रुपए की है, बड़ी 100 रुपए की है। तो भैया, अगर आपको कोई भी चाट खानी है, क्योंकि दिल्ली छह जो है वो फेमस है चाट के मामले में ही, तो अगर आप आ रहे हैं चावड़ी बाज़ार तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं हीरा लाल की चाट। तो ये है भैया की शॉप। टाइमिंग क्या रहती है आपकी? 12 से 10, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भैया की टाइमिंग है। और छुट्टी वगैरह भी रखते हैं आप? छुट्टी वगैरह कोई नहीं होती। तो आप आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो भैया, एक हमारे लिए बना दीजिए आलू की चाट। ये भैया, हमने बनवाई अपने लिए आलू की चाट। आलू जो है ना, ये बुने हुए होते हैं। अच्छा। रेत के, इसका जो पानी होता है सब खत्म हो जाता है, उसी की वजह से ये करारा बनाता है। तो भैया ने बताया जो आलू होते हैं वो रेत के भुने हुए होते हैं और उसी की वजह से करारी बनती है, जो टिक्की बनती है। और 130 साल पुरानी दुकान है भैया, और दिल्ली छह तो आपको पता ही है फेमस है, बस चाट के मामले में ही। खाने पीने की अगर आइटम आपको चाहिए और टेस्टी चाहिए तो आपको दिल्ली छह आना ही पड़ेगा। ये आ गई हमारी आलू की चाट। क्या क्या डाला भैया आपने आलू चाट में? इसमें गरम मसाला है, जीरा है और नींबू। ये हमारी होगी तैयार। और ये जितना मर्जी मतलब तेज मसाला खा लो, ये सीने में जलन नहीं करेंगे। अच्छा भैया, बता रहे हैं कि जितना मर्जी तेज मसाला खा लो ये, तो ये सीने में जलन नहीं करती। तो भैया, हमने ले लिया एक आलू की चाट।